नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोब्स पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कंट्रोवर्सी है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये कंट्रोवर्सी है एक केस के ऊपर, और इस केस का नाम है एंट्रिक्स देवास केस। ये पूरी एक डील जो है क्यों कंट्रोवर्शियल थी और क्यों ये रिसेंटली काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ये एक ऐसा केस था जिसके कारण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है वो खुद गिरफ्तार हुए। काफी महत्वपूर्ण केस है ये, और इसे हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं आपके सामने, मेरा नाम है सौरभ स्वामी, और ये जो केस है रिसेंटली काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आपने इसके लिए काफी ज्यादा आर्टिकल भी देखे होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा। प्रेजेंट टाइम पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन आपके सामने है के सिवन, ए किरण कुमार, एस सोमनाथ या फिर राकेश शशिभूषण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है बिना गूगल किए। इसका जवाब मैं आपको वीडियो के बीच में जरूर दूंगा। रिसेंटली इस तरह के आर्टिकल आपने देखे होंगे, एंट्रिक्स देवास डील फ्रॉड अगेंस्ट कंट्री, ये स्टेटमेंट दिया था निर्मला सीतारमन ने, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। बजट से पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें ये जो एंट्रिक्स देवास डील है उसे फ्रॉड अगेंस्ट कंट्री बताया है। आइए समझते हैं, और जो निर्मला सीतारमन ने स्टेटमेंट दी है उनके आधार पर इन्होंने कांग्रेस को स्लैम किया है, और ये कहा है कि ये यूपीए गवर्नमेंट का एक ह्यूज स्कैम माना जा सकता है, जिसमें जो स्पेशल स्पेक्ट्रम है, जो सैटेलाइट है, वो एक प्राइवेट कंपनी को अपने इंटरेस्ट के लिए बेच दिए गए, इग्नोरिंग द नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को जो स्पेशल स्पेक्ट्रम है वो बेच दिए गए थे। इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कल निर्मला सीतारमन ने दिए थे। देखिए, आपने इस पूरी डील में, इस पूरे केस में दो चीजें जरूर सुनी होंगी, पहली है देवास और दूसरी है एंट्रिक्स। देखिए, देवास जो है वो एक मल्टीमीडिया कंपनी है, ये भारत की ही एक कंपनी है, और एंट्रिक्स जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की एक कॉमर्शियल शाखा है। आइए जानते हैं दोनों कंपनियों के बारे में। सबसे पहले एंट्रिक्स के बारे में जानते हैं। एंट्रिक्स जो कॉरपोरेशन है, कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ऑन कर चुकी है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है, और ये इसरो की जो कॉमर्शियल एक्सप्लोरिंग है ग्लोबली वो स्प्रेड करता है। 1992 के अंदर इसकी स्थापना हुई है और बैंगलोर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। प्रेजेंट टाइम पे इसके जो सीएमडी है उनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, राकेश शशिभूषण इनके सीएमडी हैं। मतलब इसरो के जो प्रोडक्ट हैं उनको ग्लोबली प्रमोट करने का काम करती है एंट्रिक्स, और यदि किसी कंपनी को जो कि स्पेस से रिलेटेड है उसे अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने हैं तो इसरो के लिए जो संपर्क जो साधा है, एक माध्यम जो है वो है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। और ये जो देवास मल्टीमीडिया है ये एक स्टार्टअप था, काफी पुराना स्टार्टअप है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी, और ये डील धीरे धीरे एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बना। देखिए, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, काफी बड़ा नाम है इस एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट फॉर द लीज ऑफ स्पेस सेगमेंट कैपेसिटी ऑन इसरो एंट्रिक्स एस बैंड स्पेस क्राफ्ट बाई देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका एक पूरा नाम है। अब देखिए, ये नाम जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डील के अंदर इसरो जो है उसने देवास मल्टीमीडिया को दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लीज पे दिए हैं, और ये दोनों सैटेलाइट कौन कौन से हैं, एक है जीसेट 6, एक है जीसेट 6A। इस डील के तहत इसरो ने देवास मल्टीमीडिया को 12 साल के लिए ये दोनों सैटेलाइट लीज पे दिए थे। उस समय जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर इस डील की कीमत 167 करोड़ आंकी गई थी। अब देवास मल्टीमीडिया का जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वह मल्टीमीडिया सर्विस को इम्प्रूव कर सके, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को एस बैंड के थ्रू जो ट्रांसपोंडर है उनको जोड़ सके, जिससे सैटेलाइट फोन जो है वो हमारे हाथ में हो और हम कहीं पे भी जाएं इसके नेटवर्क हमें अच्छे से मिल सके। और इसरो ने इसके लिए जो लीजिंग की थी वो 17 MHz के एस बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो लीज पे दिए थे देवास मल्टीमीडिया को। ये बात कब की है, ये बात है 2005 की। इसके बाद में ये डील चलती रही और किसी को पता था नहीं। 6 साल बाद में द हिंदू में एक आर्टिकल आया और इतनी बड़ी डील हो गई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की और किसी को पता नहीं चला। बाद में द हिंदू का एक आर्टिकल आया और ये आर्टिकल है वो 2011 का ये आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अपडेट किया गया है बाद में। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ था वो था व्हाट इज देवास मल्टीमीडिया। देखिए, देवास मल्टीमीडिया 2004 में एस्टेब्लिश एक स्टार्टअप था जिसको इसरो के ही एक व्यक्ति जिनका नाम था एमजी चंद्रशेखर, जो कि फॉर्मर साइंटिफिक सेक्रेटरी थे किसके, इसरो के, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था।
और इसमें कहा जाता है कि देवास मल्टीमीडिया में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से सीनियर ऑफिशियल्स काम करते हैं और इसको फंडिंग मिलती है ग्लोबली। यदि हम बात करें देवास मल्टीमीडिया के इस पर्पज़ की, तो इनका पर्पज़ यही था कि हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें, ये जो मोबाइल है इसे मोबाइल यूजिंग सेटेलाइट बना सकें। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये उसी तरह से है जो कि एलोन मस्क प्रेजेंट टाइम पे करना चाहते हैं। एलोन मस्क जो है इंडिया में अपनी कंपनी जिसका नाम है स्टारलिंक के थ्रू ये सैटेलाइट जो फ़ोन है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो ये एज ए ड्रीम था 2005 में जो कि किसके द्वारा देखा गया था, देवास मल्टीमीडिया के द्वारा। देखिए यदि सैटेलाइट फ़ोन हमारे हाथ में आ जाते हैं तो हमें इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल की जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हर जगह वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इसकी कंप्लेन हम कम करने लगेंगे यदि हमें सैटेलाइट फ़ोन मिल जाते हैं तो। प्रेजेंट टाइम पे आपको पता है कि हमें जहाँ भी हम जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन्स वाले इलाकों में, तो हमें सैटेलाइट से संबंधित या फिर सिग्नल से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इन सैटेलाइट से आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते थे। और अगर देवास मल्टीमीडिया का ये ड्रीम यदि ट्रू हो जाता, सत्य हो जाता, तो हर हाथ में हमें सैटेलाइट फ़ोन देखने को मिलता, जो कि किसी ना किसी मिरेकल चमत्कार से कम नहीं था उस ज़माने के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव तो काफ़ी अच्छे देखे गए थे, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये जो पूरा केस है ये बिगड़ गया। लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत ये सब डिसाइड किया गया था कि जो एंटिक्स कॉरपोरेशन है वो दो सैटेलाइट को निर्माण करेगा, उनको लॉन्च करेगा, उनको ऑपरेट करेगा, और 90% जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर है वो दिए जाएंगे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है, क्या नाम है, देवास। तो देवास कंपनी को इसके 90% जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर है वो देने की बात कही गई थी इस पूरी डील के अंदर। और इस डील में 70 MHz के जो एस बैंड स्पेक्ट्रम है, जो जनरली कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, गवर्नमेंट टेलीकॉम एंटिटीज है जैसे MTNL, BSNL, इनके लिए प्रतिबंधित है, इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, उसको डेवलप करने की बात कही गई थी। और उसके लिए जो रकम थी वो लगभग 1000 करोड़ रखी गई कई रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन मीडिया ने कई बार इसे डिस्क्लोज भी किया है कि यदि ये डील हो जाती भारत को 2 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो झेलना पड़ता अगर ये डील पॉसिबल हो जाती तो, क्योंकि काफ़ी बड़ी डील ये मान सकते हैं आप। ये हो रहा था 2003 से 2009 तक, जब जी माधवन नायर इसरो के चेयरमैन थे। ये 2003 से 2006 तक 6 साल के लिए इसरो के चेयरमैन थे और उसी बीच में ये सब हुआ। आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि एंटिक्स कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन थे उस समय वो भी जी माधवन नायर ही थे। उसके बाद में डॉक्टर के राधाकृष्ण बने हैं, उसके बाद में एस किरण कुमार, बाद में के सिवन, और प्रेजेंट टाइम पे इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 12 जनवरी को ही अपॉइंट किए गए हैं। तो उस जो स्टार्टिंग में मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर होगा एस सोमनाथ। अब आगे केस बढ़ता है, 2011 के अंदर इस डील को कैंसिल किया जाता है और यहाँ पे जो रीज़न बताए गए वो रीज़न थे सिक्योरिटी रीज़न। UPA गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डील है उसे कैंसिल किया गया सिक्योरिटी रीजंस के थ्रू। लेकिन ये सब चीज़ें चलती रही, 2016 में बात बिगड़ना शुरू होती है। जो फॉर्मर चीफ इसरो थे जिनका नाम था जी माधवन नायर, और उनके सीनियर ऑफिशियल्स के घर पे रेड पड़ती है CBI की। और रीज़न क्या दिया गया कि इन्होंने रॉन्ग बेनिफिट्स दिए हैं 578 करोड़ रुपए का, किसको, देवास मल्टीमीडिया को। और इसके लिए CBI ने यहाँ पे जो चार्जशीट है वो भी फील की थी। 2017 के अंदर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ICC, उसके तहत कुछ स्टेटमेंट आए और वो स्टेटमेंट थे कि देवास मल्टीमीडिया को 1.3 बिलियन का जो कंपनसेशन है वो दिया जाए इनके जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इनको, क्योंकि देवास मल्टीमीडिया थी तो भारत की ही कंपनी लेकिन इसमें जो पैसा दिया लगाया गया था वो ग्लोबली लीडर्स का लगाया गया था। कुछ मॉरिशस के लोग थे, कुछ जर्मनी के लोग थे, कुछ सिंगापुर के लोग थे। तो उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो केस है वो किया था इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट दिए और ये कहा कि देवास मल्टीमीडिया के जो इन्वेस्टर हैं इनको कंपनसेशन दिया जाए $1.3 बिलियन का। इसमें बात अगर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम करें, 1919 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस के अंदर। देखिए ये एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द वर्ल्ड, जहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं उनकी सुनवाई की जाती है। तो ये इंटरनेशनली कंपनीज के रेगुलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट आप संस्थान मान सकते हैं। 2020 के अंदर एक US फेडरल कोर्ट है जो कहाँ पे स्थित है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाशिंगटन में, उसने एक कंफर्म किया कि ICC का जो एक स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल सही है। इसरो को एंट्रिक्स जो कॉरपोरेशन है वो अब 1.2 बिलियन रुपए देगा, किसको, देवास मल्टीमीडिया को। ये स्टेटमेंट आए थे फेडरल कोर्ट के द्वारा।
लेकिन इस बीच में कई तरह के आर्बिट्रेशन भी लगाए गए थे जर्मनी के कोर्ट में, और मॉरिशियस के कुछ जो स्टेक होल्डर हैं जो कि जिनका पैसा इन्वेस्ट था देवास मल्टीमीडिया में, उन्होंने भी केस किया था। तो यूरोप में भी इसके लिए केस चला और वहां पर भी कई तरह के आर्बिट्रेशन के थ्रू ये डिनोट किया गया कि देवास मल्टीमीडिया को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो डील है ये 2011 में ही कैंसिल हो गई और रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे देवास मल्टीमीडिया पे। तो यूएस की फेडरल कोर्ट ने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा कि इसरो जो है वो इसरो का जो एंटिक्स कॉरपोरेशन है वो पे करेगा, वो देगा $1.2 बिलियन रुपए किसको, देवास मल्टीमीडिया को, स्पेसिफिकली देवास मल्टीमीडिया के जो इन्वेस्टर हैं इनको। नवंबर 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे लगाया और ये लगाया यूएस कोर्ट के, ये जो ऑर्डर जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किए थे जो यूएस के जो ऑर्डर थे उनके ऊपर स्टे लगाया गया दिल्ली हाईकोर्ट को। तो इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए जो दलीलें हैं उनको सुनने का एक ऑर्डर जो है वो दिया गया, ये दिल्ली हाईकोर्ट के पास में गया ये पूरा मैटर। उसके बाद में जनवरी 2021 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है वो एक पिटिशन फिल करती है किसके खिलाफ, देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ, अंडर द कंपनीज एक्ट में ये कहा गया था कि देवास मल्टीमीडिया जो है उसके इन्वेस्टरों ने फ्रॉड किया है इस डील के तहत। बाद में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसने ये एक्सेप्ट किया कि एंट्रिक्स की जो पिटिशन है अगेंस्ट देवास वो बिल्कुल सही है और एक प्रोविजनल लिक्विडेटर जो कंपनी के समापन के लिए जरूरी होता है, कंपनी को बंद करने के लिए जरूरी होता है, उसे अपॉइंट किया जाए। कोई भी कंपनी जब बंद होती है उसमें प्रोविजनल लिक्विडेटर का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उसे नियुक्त किया जाए और इस जो देवास जो मल्टीमीडिया कंपनी है उसे वाइंडिंग अप किया जाए। इसके बाद में जल्दी से इसमें सुनाई होती है और सितंबर 2021 में एक फैसला आता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल के द्वारा, NCLAT के द्वारा, और इसमें ये फैसला आता है कि अपहोल्ड किया जाए NCLT के ऑर्डर को और वाइंड अप किया जाए देवास मल्टीमीडिया को, मतलब देवास मल्टीमीडिया की जो कंपनी है उसे बंद किया जाए और ये जो फैसला था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का उसे सत्य माना जाए। एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 1 जून 2016 में हुई है। एक है नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना भी 2016 में हुई थी। दोनों कहीं ना कहीं अपीलीय याचिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो जुड़े रहते हैं कॉरपोरेट अफेयर्स से। ये जो NCLT है ये एक क्वासी ट्रिब्यूनल जुडिशियल बॉडी है, एक अर्धन्यायिक संस्थान है जो भारत के अंदर जो कंपनी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें सोल्व करती है और इसकी अपील की सुनवाई नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल के अंदर होती है। तो यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल जो है उसने कहीं ना कहीं इसरो के एंट्रिक्स ने अपना फैसला सुनाया और इसके लिए कई तरह के आर्टिकल भी आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उस समय का आर्टिकल है सितंबर 2021 का, NCLAT अपहोल्ड्स ऑर्डर टू वाइंड अप देवास मल्टीमीडिया। ये सब चीजें चलती रहती है दिसंबर 2021 तक, ये जो केस है इसी तरह चलता है। बाद में जो सेपरेट ऑर्डर्स हैं वो आते हैं कनाडा के एक कोर्ट से जो क्यूबेक में स्थित है। कनाडा के कोर्ट में ये इसलिए आते हैं क्योंकि इंटरनेशनली जो देवास मल्टीमीडिया के इन्वेस्टर हैं इन्होंने केस जो है वो फील किया हुआ था कई देशों में, किसके खिलाफ, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के खिलाफ। और कनेडियन जो कोर्ट है उसने दो ऑर्डर दिए। पहला ऑर्डर था कि ये जो एसेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और एयर इंडिया का वो सीज किया जाएगा किसके द्वारा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के द्वारा। ये तो पहला ऑर्डर था। और दूसरा ऑर्डर जो था कि देवास जो मल्टीमीडिया है उसके इन्वेस्टर जो है वो केस जो है वो फील कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने इस डील को कैंसिल करके जो बायलेटरल ट्रीटी है जो दो देशों के बीच में होती है उसका उल्लंघन किया है। ये दो तरह के ऑर्डर आते हैं इस कनेडियन कोर्ट से। लेकिन बाद में इंटरनेशनली प्रेशर के थ्रू और कई तरह के सबूतों के आधार पर 8 जनवरी 2022 को हाल ही में एक फैसला आया और इसी कोर्ट ऑफ कनाडा ने यहाँ पे अपने जो आदेश थे उनके ऊपर रोक लगाई और ये कहा अदालत ने अपने फैसले में संशोधन किया है और देवास के जो निवेशक हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको IATA के पास पड़ी जो एयर इंडिया की संपत्ति है उसका केवल 50% हासिल करने की अनुमति दी। मतलब देवास जो इन्वेस्टर हैं उनको अब एयर इंडिया का 50% जो शेयर है वो देने की बात कही गई थी इस कनाडा कोर्ट के द्वारा। इस तरह के आर्टिकल उस समय बहुत सारे पब्लिश हुए थे, कनेडियन कोर्ट अलाउज देवास इन्वेस्टर टू सीज फंड कलेक्टेड बाय IATA फ्रॉम AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर इंडिया। एक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 के अंदर। ये भारत के अंदर कहीं ना कहीं एक मिनी रत्न कैटेगरी की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो जितने भी एयर ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। प्रेजेंट टाइम पे संजीव कुमार जो है वो इसके चेयरमैन हैं।
एक नाम आपने इसमें सुना है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को की गई थी और इसकी हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एयर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करता है। और हाल ही में जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का जो फैसला था कि वाइंड अप करना है देवास को, वो बिल्कुल सही है और इसी के ऊपर आगे काम किया जाएगा, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि देवास इसने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पिटीशन लगाई थी और इनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड ट्रिब्यूनल डिसीजन टू वाइंड अप देवास। तो इस वजह से आप यहाँ समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है उसमें एंट्रिक्स जो है उसका बचाव हो चुका है और देवास मल्टीमीडिया के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कंटिन्यू बना दिए गए हैं। ये था एंट्रिक्स देवास का केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल केस है। 2009 के बाद से कोई भी व्यक्ति एंट्रिक्स का चेयरमैन नहीं बना है जो ऑलरेडी इसरो का चेयरमैन है। तो कुछ संशोधन भी हुए हैं इसरो के अंदर भी, क्योंकि इसरो एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान मानी जाती है भारत के लिए। तो ये तो खैर इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।